अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सबसे पहले सबको जुमा मुबारक, और माशाल्लाह से आज 18 रोजे हो गए हैं और इतनी जल्दी से रमज़ान का मंथ गुजरा है तो पता ही नहीं चला, मिनट में गुजर गया है। और अल्लाह ताला हमारी बातों को, हमने जो इबादत की, रोज़े रखे, उनको कबूल फरमाए, आमीन। मेरे काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब हुई हुई है और 2 दिन हो गए ज़ुकाम और गला ख़राब। एक्चुअली ये मेरी खुद की हरकतों की वजह से हुई है और मम्मा से काफ़ी इंसल्ट हुई है मेरी। इधर गांधी मिनते कर रहा है, कायद साहब बैठ जाओ, थोड़ी मेहरबानी होगी। आज मैं ऐसे फ्री बैठी हुई थी, अजीब सी तबीयत हो रही थी, मूड भी मेरा काफ़ी ऑफ था। मम्मा ने मुझे मेडिसिन वगैरह दी तो फिर मैं अकेली ऐसे बैठी, मोबाइल यूज़ करने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो कुछ नया करते हैं। फिर नया तो नहीं था बट, लेकिन मैं कहा चलो, मैंने फिर अपना मेकअप शॉप किया और रेडी हुई। तो मेरा भाई जब शॉप से आया ना तो मुझे कहता है, ये किस खुशी में तू रेडी होकर बैठी हुई हो। मैंने कहा मेरी मर्ज़ी। कहता है तेरे पापा की शादी है। मैं कहा नहीं, तेरी है, मेरे पापा की तो नहीं है। तो कहता चल मुँह धो। मैंने कहा नहीं धोना। तो मेरे उसने थप्पड़ लगाया, मैंने पापा को बताया, पापा ने उसके लगाई 2-3, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद शाम में मैं बैठी हुई थी, मुझे कहता है कि ना तुझे पापा बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या कहना है। कहता नहीं बात तो सुनो, सच्ची तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बुला रहे, तुम्हें बुलाया होगा और तुम कह रहे हो तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बात सुनी। कहता सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं गई हूँ। मैं कहा हाँ जी पापा। कहते मैंने आपको तो नहीं बुलाया था। कहता यही पापा एक्स्ट्रा चीज़ है, ये ले। पापा ने उसे बोला था कि एक्स्ट्रा चीज़ कोई पड़ी है तो लेके आओ, और मुझे जा कहते ये ले पापा एक्स्ट्रा चीज़ है। हद नहीं होती वैसे। ये बहुत अच्छी लिंट रिमूवर मशीन है, बहुत अच्छी है, अच्छे से कपड़े के ऊपर से लिंट रिमूव कर देती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसका एक ये है कि इसकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, बार बार चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, लेकिन है बहुत अच्छी। मुझे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं, मैंने यूज़ भी की है काफ़ी दफ़ा, बहुत अच्छे से इससे ना क्लियर हो जाता है बिल्कुल। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ कि सारा, ये देखे इसमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कि इसमें डस्ट वगैरह है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। और आज हमने देग बनवाई थी, वो बांटी है रमज़ान की, और शाम में मैंने चिकन बनाया था, काफ़ी मज़े का बना। मैं तो वैसे ही माशाल्लाह से हर चीज़ मज़े की बनाती हूँ। और मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि हमारी फ्रूट चाट तो मस्ट होती है ना, तो वो तो हम लाजमी बनाते हैं। मम्मा बना लेती हैं, मैं बना लेती हूँ, और मेरी सिस्टर, तीनों कभी कभी बना लेती हैं, ज़्यादा तो मैं बनाती हूँ, मज़े की बनती है। और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे पापा ने स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि मुझे ना प्लांट्स, बर्ड्स और पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पेट्स में बिल्ली और कुत्ते के अलावा ना, वो उनसे मुझे डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है उनसे। और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, हमारे दूसरे घर में लगाए हुए थे हमने फ्लावर्स, और उधर से पापा ने ना काट के बॉटल्स लेके और उनमें ये लगाए थे। और माशाल्लाह से जब अब बड़े भी हो रहे हैं, हमारे सारे टेरेस पे ना पापा ने ऐसे रखते थे, पापा कह रहे थे कि बड़े हो जाएंगे ना फिर हम दूसरे गुलदान में लगाए थे। और कल मैं गई हूँ गाँव तो ना मेरा कज़न कहता कि तुम्हारे मोबाइल का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन इतना नहीं है जितना मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट है। तो ये मैंने वीडियो बना रही थी तो कहता मेरा ना 16 पिक्सल है। मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हारा 16 पिक्सल नहीं है, कम होगा, मेरा 8 पिक्सल है। तो कहता नहीं, जब मैंने कहा ना चलो दिखाओ, फिर जूम करके दिखा रहा था लेकिन उसका 8 पिक्सल था। जब मैं जूम करती हूँ ना तो मेरे ऐसे फटते ही नहीं है पिक्सल्स, उसके फट रहे थे। तो मैं कहा चलो, मान नहीं रहा था। मैं कहा चलो भाई तुम सही कह रहे होगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।